हेलो दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हम पनामिक से पेंगोंग जाने के लिए निकल चुके थे और हमने इसके लिए अगम और शियोक वाला रूट लिया था। और यकीन मानिए दोस्तों, ये अब तक की हमारी ट्रिप का सबसे खतरनाक रूट था, जहाँ पर हमने यहाँ के पथरीले रास्ते और वाटर क्रॉसिंग का भी सामना किया था और आखिरकार हम दुर्भुग भी पहुँच ही गए थे। तो मुझे उम्मीद है आपने हमारे पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे और यदि नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का रोड टू लद्दाख का सफर शुरू करते हैं। तो अभी दोपहर के 3:20 हुए थे और हम निकल चुके थे यहाँ से पेंगोंग के लिए। और रास्ता आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है और एकदम पक्की सड़क बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको गाड़ी चलाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और वहाँ से कुछ आगे बढ़ने पर एक ब्रिज आ गया था और यहाँ पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है थांगसे। और ये जो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये यहाँ का एक पेट्रोल पंप है और इस पूरे रूट का ये एक लौटा पेट्रोल पंप है जो अभी हाल ही में बना हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यदि आप यहाँ से अभी हानले भी जाना चाहो तो आप यहाँ से अपना पेट्रोल जो है वो फुल करवा सकते हो और साथ ही साथ चाहो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेट्रोल भी कैरी कर सकते हो। और एक बात दोस्तों, ये जो मेरी रोड टू लद्दाख की सीरीज़ है, ये आपको भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में और साथ ही साथ विदेशी भाषाओं में भी इसके सबटाइटल्स मिल जाएंगे। तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक भी सबटाइटल सिलेक्ट करके अपनी भाषा में इसे देख सकते हो। और ये जो पेट्रोल पंप है, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट अल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट है जो 12,933 फीट पर बना हुआ है। और दूसरा ऐसा ही एक आउटलेट है जो काजा स्पीति में बना हुआ है, जो मैंने आपको अपनी स्पीति राइड के दौरान दिखाया था। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो अभी यहाँ पर अपना भी फ्यूल टॉपअप करवाते हैं और साथ ही साथ हमने यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा डीजल भी भरवा लिया था ताकि आगे जाके कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, थिंगसे से अभी हम आगे आ गए जहाँ से हमने पेट्रोल भरवाया और वहाँ से एक रास्ता सीधा जाता है, जो अगर आप पेंगोंग नहीं जाना चाहते हो तो सीधा आपको चुशुल लेके जाएगा। और ये जो रास्ता है अभी, ये लुकुंग से आपको पेंगोंग लेके जाएगा और वहाँ से आगे स्पैंगमिक और मान और मिरिक आएगा। और जैसे कि आप रास्ते कंडीशन देख रहे हो, अभी यहाँ पे पूरी तरह से रास्ता बना नहीं है। दरअसल यहाँ पे पहले छोटा सा रास्ता था, अभी उसको बड़ा किया जा रहा है, तो उस वजह से कई जगहों पर रास्तों का काम चालू है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है September 2023 का। और करीबन 5 किलोमीटर तक रास्ता इसी तरह से खराब था, लेकिन अभी ये रास्ता अच्छा आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते कब तक हमें इस तरह से अच्छा रास्ता मिलता है। और वहाँ से हम जैसे ही कुछ आगे बढ़े तो ये खूबसूरत लोकेशन आ गया था। और यहीं पर दोस्तों जब तक है जान का एक सीक्वेंस शूट हुआ था, जहाँ पर इस तरह से शाहरुख खान मोटरसाइकिल पर बैठ के इन रास्तों से होते हुए गुजरते हैं और ये पूरा जो सीक्वेंस है वो यहीं पर शूट हुआ है। और ये किस तरह से शूट हुआ है उसका भी मुझे एक वीडियो मिला जिसमें इस पूरी मूवी का मेकिंग दिखाया गया है, तो वो भी सीक्वेंस अभी आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। और इसके पीछे की खास बात यही है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लोकेशन ही इतनी खूबसूरत है कि हर किसी को ऐसे लगे कि हम यहीं पर आके शूट करें, क्योंकि पहले ऐसे सब लोकेशन के लिए लोग आउट ऑफ इंडिया जाते थे, लेकिन अभी इंडिया में ही इतनी खूबसूरत लोकेशंस अवेलेबल है कि आपको भारत के बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी हम यहाँ से दोस्तों आगे जा रहे हैं पेंगोंग की तरफ। तो चलिए दोस्तों, इन खूबसूरत रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये रास्ता भी अभी बिल्कुल नया बना हुआ है और इसे काफ़ी चौड़ा बनाया गया है ताकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आप भी तब तक इन खूबसूरत रास्तों का आनंद उठाइए और हम बढ़ते आगे पेंगोंग लेक की तरफ। हालांकि अब तक ये रास्ता पूरी तरह से बना नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि कई जगहों पर रास्ते का काम चालू है, तो फिर से ये पुरानी सड़क आ गई थी। लेकिन मुझे उम्मीद है जब तक आप लोग यहाँ पर आओगे तब तक ये रास्ता पूरी तरह से अच्छा बन चुका होगा। और वहाँ से सामने की तरफ कुछ पानी जैसा दिखाई दे रहा था, तो पहले हमें लगा वो पेंगोंग लेक है, लेकिन दरअसल वो पेंगोंग लेक नहीं थी। उसके आगे की तरफ एक व्यू पॉइंट आता है जहाँ से आप पेंगोंग लेक देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ से आपको जो सामने नीला कलर दिख रहा है पहाड़ों के बीच में, वो पेंगोंग लेक है और यहाँ से आपको उसका फर्स्ट व्यू देखने मिल जाता है। एक्चुअली हम वो साइनबोर्ड ढूंढ रहे थे जो यहाँ पर पहले लगा हुआ करता था, जिस पर लिखा था
फर्स्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक 4 किलोमीटर साइड, लेकिन हमें वो साइन बोर्ड कहीं दिखा नहीं, क्यों मुझे लगता है शायद रोड बड़ा कर रहे तो उस वजह से वो साइन बोर्ड फिलहाल निकाल दिया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से व्यू भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वहीं पेंगोंग से पहले आपको मेरे लेफ्ट साइड में एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा जो पेंगोंग से पीछे की तरफ जाता है, और ये रास्ता आपको लेके जाता है फोरबोंग की तरफ, और फोरबोंग से होते हुए आप शिंगलुंगला और मार्सी मिकला भी जा सकते हो। मार्सी मिकला जो है ये उमलिंगला के बाद में वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पास है। दरअसल ये जो रास्ता था ये पहले सिर्फ मिलिट्री वालों का था, लेकिन अभी हाल ही में इसे सिविलियंस के लिए खोला गया है, इसीलिए आपको मैं इसके बारे में खास बता रहा हूँ। हम तो इस बार नहीं जा पाए, लेकिन जब अगली बार हम आएंगे तो हम यहाँ पे डेफिनेटली विजिट करेंगे और आपको भी ये खूबसूरत जगह ज़रूर दिखाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हम पेंगोंग पहुँच गए, और यहाँ पर आपको कुछ फ्लैग्स दिखाई दे रहे होंगे, ये दरअसल मिलिट्री का कुछ मॉन्यूमेंट है, और पीछे की तरफ बोट्स खड़ी है जो पेंगोंग में पेट्रोलिंग करती है, और उसी के आगे एक स्तूपा भी बना हुआ है। और ये जो पेंगोंग लेक है ये 134 किलोमीटर लंबी है, और इसका 50% जो पार्ट है ये चाइना के अंडर में आता है, और 40% जो है ये इंडिया में है, और 10% जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड जोन है, तो इसलिए उसे बफर में रखा गया है। और वाकई में दोस्तों आज तक जितना भी सुना था इस लेक के बारे में वो सब बातें सच है। इस पानी में कुछ अलग ही कशिश है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। और वहाँ से जैसे कुछ आगे आए तो हमने देखा एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था, और वहाँ पर बोर्ड लगा था लोअर ब्लॉक और अपर ब्लॉक का, तो नीचे जो रास्ता है ये लोअर ब्लॉक की तरफ जाता है, और वहाँ पर भी कई सारे होटल्स और होम स्टे बने हुए हैं, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी जाके रुक सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आगे जा रहे हैं और देखते हैं हम कहाँ पर रुकेंगे, अभी तक पता नहीं है। लेकिन सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे जो थ्री इडियट्स का जो पॉइंट है जहाँ पर उसका क्लाइमेक्स शूट हुआ था, अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, और वहाँ पर भी कई सारे होम स्टेज बने हुए हैं, और यहाँ पर सबसे पॉपुलर जो अकोमोडेशन है वो टेंट का होता है, तो कई लोग जो यहाँ पे टेंट में स्टे करते हैं। तो सारी डिटेल्स मैं आपको आगे देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, कहीं भी स्किप मत कीजिए, बहुत सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। और यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों पेंगोंग लेक का आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा होगा, और ऐसा कहा जाता है कि दिन के हर समय इस झील का जो कलर है ये बदलते रहता है, सुबह इसका कुछ अलग कलर होता है, दोपहर को अलग होता है, शाम को अलग होता है। तो अभी ये शाम का समय है और ये इस समय का ये जो कलर है ये बिल्कुल अलग ही ब्लू दिख रहा है। और वहीं पर एक जगह पे थोड़ा सा शेडो था तो वहाँ पर हम रुक गए थे थोड़ा सा फोटोग्राफी करने के लिए, तो मैं आपको यहाँ से भी इस खूबसूरत झील के नज़ारे दिखा देता हूँ। और अभी हम स्पैंगमिक से पहले हैं और अभी यहीं पर हम लोग नीचे की तरफ उतरने वाले हैं। दोस्तों ये यहाँ पे सारे कॉटेजेस हैं, अगर आप पेंगोंग आते हो तो यहाँ पर ये पूरे लाइन में कॉटेजेस बने हुए हैं, और ये जो आप सामने देख रहे हो ये थ्री इडियट्स पॉइंट है जहाँ पे वो लास्ट सीन शूट हुआ था थ्री इडियट्स का, रेंचो वाला। और यहाँ पे अभी ये बहुत कमर्शियल हो गया है, यहाँ पे आपको हर जगह पे वो करीना कपूर का येलो स्कूटर और वो तीन चेयर्स देखने मिल जाएंगे फोटोग्राफी के लिए। हम तो सिर्फ कुदरत का आनंद लेने जा रहे हैं, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। बु, 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 बु। रास्ते बहुत ख़राब है यार, बहुत ख़राब रास्ते हैं, यहाँ पे रास्ते नहीं बनाए अभी तक इन्होंने, बहुत हालत ख़राब है। तो लीजिए दोस्तों आगे हम यहाँ के पार्किंग एरिया में, यहाँ पे इस तरह से आपको पूरा पार्किंग लॉट मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी गाड़ी बाइक पार्क कर सकते हो, और फिर यहाँ से आपको आगे लेक तक चल के जाना है। तो चलिए हम भी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और आपसे आगे मिलते हैं। तो लीजिए दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ पे पेंगोंग लेक के पास, और यहाँ पर सामने हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है, और यहाँ पर उसके आगे इस तरह से कैनाल बनाई हुई है ताकि आपकी गाड़ी उसके और आगे ना जा पाए, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग अपनी बाइक और कार को आगे तक लेके जाते थे, लेकिन फिर उससे वहाँ पे न्यूसेंस काफ़ी बढ़ने लगा था, कई लोगों ने तो अपनी गाड़ी अंदर पेंगोंग लेक में चलानी शुरू कर दी थी जिस तरह से लोग बीच पर अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं। और ये जो लेक है ये यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी पवित्र है, तो उससे उनकी जो सद्भावना है उसे ठेस पहुंचती है, और उसी को रोकने के लिए यहाँ पर प्रशासन ने इस तरह से कैनाल बना दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल विलेजर्स अपने कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों चलते हैं झील के पास और इसकी खूबसूरती को और करीब से देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों फाइनली आ गए हैं पेंगोंग सो लेक और ये खूबसूरत लेक जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की लेक है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। चलिए आपको पास से इसको दिखवाता हूँ। यहाँ पर सामने की तरफ आपको हर जगह पे फोटो बूथ देखने मिल जाएंगे जो थ्री इडियट्स के फेमस है, जिसमें ये तीन ड्रम्स आ जाते हैं और उसी के साथ में ये पीला वाला स्कूटर है जिस पर करीना बैठ के आई थी, और उसके बाजू में वहाँ पर तीन चेयर्स रखी हुई है, और उसके अलावा यहाँ पर एक घोड़ा भी था, तो आप चाहो तो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों उस लोकेशन पर चलते हैं जिस बात के लिए ये जगह फेमस है, यानी कि थ्री इडियट्स का शूटिंग पॉइंट, जिसमें रैंचो यानी कि आमिर खान यहाँ पर बच्चों के साथ में एक रिमोट प्लेन उड़ा रहा होता है और सामने से पिया स्कूटर पर बैठ के आती है और यहाँ पर उसके बाकी दोस्त सब मिलते हैं। तो उसी वजह से ये जो पूरा पॉइंट है यहाँ पर इस तरह से आपको ये येलो स्कूटर और सब दिखाई देगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जब तक है जान वाली बाइक भी रखी हुई है। तो इस तरह से जो पूरा लोकेशन है ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है अभी टूरिस्ट में, और अभी टूरिस्ट भी इतने ज़्यादा नहीं है तो उस वजह से भीड़ भाड़ भी काफ़ी कम है, तो सितंबर में आने का यही फ़ायदा है दोस्तों। और अभी बर्फ़ भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पहाड़ों पर थोड़ी सी बर्फ़ है, तो उस वजह से ठंड इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी हवा चल रही थी तो उस वजह से थोड़ी सी ठंड लग रही थी। और मौसम तो आप देख ही सकते हो, आसमान बिल्कुल साफ है, तो मैं तो आपको डेफिनेटली यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी भी यहाँ पे आना चाहो तो सितंबर का महीना प्रीफर कीजिए, ताकि आपको मौसम भी अच्छा मिले और ज़्यादा भीड़ भाड़ का भी आपको सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इस झील का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और इसका कारण है कि इसके तल में कोई भी वनस्पति नहीं उगती है, और उसी वजह से इस पूरी झील में आपको कोई भी मछली या जीव जंतु नहीं दिखाई देंगे। वैसे पेंगोंग झील के पूरे स्ट्रेच पर इस तरह के कई सारे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, तो आप किसी भी व्यू पॉइंट पर जाकर बैठ सकते हो, वहाँ पर इस झील का आनंद उठा सकते हो। तो मेरा आपको यहाँ पे लाने के पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई थी और उस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं और सब लोग यहीं पर ज़्यादातर फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, लेकिन एक्चुअल शूटिंग लोकेशन यहाँ पे नहीं है, सामने की तरफ है। अभी एक भाई साहब ने बताया कि आप वहाँ से आगे टर्न लोगे तो वहाँ पर एक पूरा आर्च बना हुआ है, वहाँ पर वो शूट हुआ था, लेकिन तब से लेकर आज तक ये जो जगह है ये पूरी थ्री इडियट पॉइंट के नाम से ही जानी जाती है, और उस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क मिलेगा, तो आपको अगर कहीं भी अपने घर पे फ़ोन करना हो तो आप यहीं से फ़ोन कर दीजिएगा, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ से आगे की ओर बढ़ोगे तो फिर आगे कहीं भी आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा, फिर सीधा जो नेटवर्क है वो चुशुल में आता है, तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और सर्दियों के समय यहाँ का जो तापमान है ये -30 डिग्री तक चला जाता है, और उस वक्त ये जो झील है ये पूरी तरह से जम जाती है, और उस वक्त यहाँ पर आइस स्केटिंग, आइस हॉकी और मैराथन का भी आयोजन किया जाता है। और पहले के टाइम में यहाँ पर लोग कैंपिंग भी करते थे, लेकिन अभी काफ़ी समय से पेंगोंग के किनारे पर कैंपिंग करने पे प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि जब यहाँ पे लोग आते हैं तो बहुत सारी गंदगी करके जाते हैं, तो उस वजह से अभी कैंपिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर इस जगह पर बंद है। और ये देखिए इस तरह से एक पूरा लोकेशन है जहाँ पर एक तरफ ये पेंगोंग झील का पानी है और दूसरी तरफ ये थोड़ा जो जमा हो गया है वो पानी है, तो आप क्लियरली देख सकते हो दोनों पानी में कितना डिफरेंस है। और ये दूर दूर तक पूरी पेंगोंग झील है, काफ़ी दूर तक फैली हुई है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नेचर वॉक करते हैं और यहाँ की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं, और आप भी हमारे साथ में इस खूबसूरत झील का आनंद उठाइए। तो दोस्तों अभी हम वापस पेंगोंग के साइड बाय साइड आ गए हैं, और अभी हमने स्पैंगमिक भी क्रॉस कर लिया है, और अभी हम जा रहे आगे मान और मेरेक विलेज की तरफ, और वहाँ पर हम लोग कुछ आज होमस्टे ट्राई करने वाले, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ही बढ़ गई है, और जैसे कि आप देख सकते हो चारों तरफ स्नो कैप माउंटेंस है, तो उसकी वजह से रात में और भी ठंड बढ़ जाएगी। तो ठंड में रात में कैंपिंग में परेशान होने से अच्छा है कि कोई अच्छा सा रिजनेबल होम स्टे ले लेते, और जो भी अपडेट है दोस्तों मैं आपको आगे दे दूंगा, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि आज का हमारा स्टे कहाँ पे रहने वाला है और किस तरह से रहने वाला है। तो
तो चलिए दोस्तों, तो चलते हैं मान विलेज की तरफ। हम लोग अभी मान विलेज पहुंच चुके हैं। ये जो आपको सामने नीचे दिखाई दे रहा है, ये पूरा मान विलेज है। और अभी मेन रोड पे यहाँ पर एक होम स्टे है, यहाँ पे भी अल्पेश भाई थोड़ा पूछने गए हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अभी क्या रेट मिलता है, क्योंकि ऐसा इतना सीज़न नहीं है तो वो हिसाब से इतना महंगा तो नहीं होना चाहिए। फिर भी हम लोग इंक्वायरी करते हैं कि हमारे बजट में मिल रहा है क्या नहीं, और नहीं मिला तो फिर आके मेरे चले जाएंगे और जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता हूँ। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर द ट्रू स्पिरिट ऑफ लद्दाख। तो दोस्तों ये होम स्टे है जहाँ पे हम आज रुकने वाले हैं। कोनपा होम स्टे एंड रेस्टोरेंट मान विलेज पैंगोंग। और ये सामने पूरा मान विलेज है, लेकिन नीचे दोस्तों बहुत ही महंगा है। 1000-2000-1500 यही सब भाव चल रहा है, कोई कम में देने को तैयार नहीं है। आगे भी एक जन को पूछा तो वो भी 1000 रुपया बोल रहे हैं, उसके आगे एक जन 700 बोला, लेकिन उसमें टॉयलेट जो है वो बाहर है। तो ये बस उसके आगे ही था, मेन रोड पे ही आप देख सकते हो हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, फिर गाड़ी अंदर ले लेंगे। तो यहाँ पे अल्पेश भाई ने बार्गेन करके 500 जो हमारा बॉटम है उसमें सेट किया है। और अभी जो कल जो लोग थे राजकोट वाले वो भी अभी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे मोबाइल टावर नहीं है, यहाँ पे कोई भी मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, पोस्ट पेड हो या प्रीपेड हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कोऑर्डिनेशन वो हिसाब से रखना, पहले से प्री प्लान करके रखना कि बाद में कोई कम्युनिकेशन आपका होगा नहीं। तो चलिए मैंने आपको रूम तो दिखाया है, एक बार फिर से रूम दिखा देता हूँ, अंदर का व्यू भी दिखा देता हूँ। पूरा यहाँ पे एक रूम है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, 4, 5, 6, 6-7 रूम है। और ये हमारा रूम अच्छा है, कोजी है, सीलिंग आप देख सकते हो वुडन सीलिंग है। और यहाँ से विंडो से आपको पूरा सामने पैंगोंग का व्यू देखने मिल जाता है। और ये बाथरूम अच्छा है, गर्म पानी है या नहीं पता नहीं, शायद नहीं है, देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे रोड टू लद्दाख का 10वां दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे हमारे कल के वीडियो में। और कल हम यहाँ से आगे जाएंगे चुशुल और वहाँ से हम आगे जाएंगे हानले। तो ये जो सारा एडवेंचर है आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आए हो तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप अपने अभिप्राय भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।